आपकी तालियों की गड़गड़ाहट एसोसिएशन की हौसला अफजाई है। आज अररिया में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित डिस्ट्रिक्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस में मौजूद प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई जनाब सैयद समायल साहब, इस मंच पर उपस्थित कदवा के विधायक हमारे बड़े भाई शकील साहब, इस मंच पर उपस्थित मंचा सिंह, सभी लोग, सभी का नाम मैं नहीं जानता, इस जिले के अध्यक्ष जनाब सिप्तैन साहब, जनाब खुर्शीद साहब और यहां मौजूद अररिया सहित अलग अलग जिले से आए हुए तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल डायरेक्टर और उनकी टीम, यहां मौजूद प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशंस की पूरी टीम, हमारे सामने सभी मौजूद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुगण, सबसे पहले मैं अररिया का होने के नाते आप तमाम लोगों का अररिया में खुश आमदीद करता हूं, स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और आज जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसकी जानकारी काफी लंबी समय से पहले से हमको थी। अक्सर हम लोग समायल साहब से पटना में मिलते थे और हमेशा बोलते थे कि आपको आना है, आपको रहना है। इससे पहले किशनगंज में भी था, लेकिन मैं वहां उपस्थित ना हो सका। उसके लिए आज भरी महफिल में मैं अपने बड़े भाई से माफी मांगता हूं। बहुत सारे कार्यक्रमों में, संगठनों में जाने का हम लोगों को मौका मिलता है और अनेक संगठन हमने देखा है, लेकिन आपका जो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन है, इनके जो अध्यक्ष हैं और इनके साथ जो पूरी टीम है, मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान की टीम, इसमें जो एक परिवार का जो एक अपनापन झलकता है, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, मैंने कहीं और नहीं देखा है। तमाम मैं सैयद समायल अहमद साहब को फॉलो करता हूं, चाहे फेसबुक के द्वारा उनको देखता हूं कि हिंदुस्तान भर आए दिन उनका भ्रमण चलता रहता है, किसी ना किसी स्कूल में प्रोग्राम होता रहता है। लेकिन जिस जज्बे से आप लोग उनको मानते हैं, ये वाकई सलाम के लायक है। बहरहाल आज मैं जोकी से आता हूं और काफी हमारा जोकी पिछड़ा इलाका है, लेकिन जब मैं गांव के सुदूर इलाके में भी जाता हूं तो वहां देखता हूं कि प्राइवेट स्कूल के रूप में हर कोने में, हर वार्ड में एक एक स्कूल खुल रहा है। इसका मतलब यह होता है कि वहां की आवाम, वहां के लोग इस तरह के स्कूल पे, सरकारी स्कूल से ज्यादा ही विश्वास करते हैं, ज्यादा यकीन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ
मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम लोग बातें कर रहे थे, जितना खूबसूरत प्राइवेट स्कूल लगता है उतना ही ज्यादा ये इस तरह के स्कूल दिक्कतों का भी सामना करते हैं। और कोरोना काल में मैं समझता हूं अगर सबसे ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोगों को हुआ है। डॉक्टर समायल अहमद साहब ने भी हम लोगों को अवगत कराया है, मैं हूं यहां पे, हमारे भाई शकील साहब है। इंशाल्लाह आप लोगों की बातें हम लोग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आपका जो भी जायज मांग है उस पर सरकार अपनी नजर दोहराए, आपका समर्थन करे और समाज को जो आगे बढ़ा रहे हैं आप, इसमें आपका सरकार सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शाहनवाज आलम साहब।